bismillahirrahmanirrahim alaikum students in this video i'm going to start unit number two your unit number two is the animal world in unit number one we are um, we learn about the uh, human body we learn about um, human body system in detail now in second unit we learn about the animal world so kindly student open your science book page number 18 योर टॉपिक नंबर वन इज़ वाई क्लासिफिकेशन सो लेट स्टार्ट मोस्ट थिंग इन द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड विद अदर थिंग्स दैट शेयर कॉमन फीचर्स दिस इज़ डन टू मेक इट ईजियर टू टाक अबाउट दैम एंड टू स्टडी दैम वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं जिनके अंदर कॉमन फीचर्स कॉमन करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको एक ग्रुप में उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है ठीक है ताकि उसके ऊपर ईजीली uh, हम स्टडी कर सकें या उसके बारे में बात कर सकें लाइक देर आर सम एग्जाम्पल्स शॉप्स आर शॉप्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस मेक ए लाइफ ईजियर ठीक है मोस्ट शॉप सेल्स आइटम्स डैट हैव समिंग इन कॉमन सो देर आर टेक्सटाइल शॉप डेट ऑनली सेल टेक्सटाइल अब आप, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके लिए शॉप्स डिफरेंट शॉप पे डिफरेंट मटेरियल है लाइक आप ग्रॉसरी शॉप पर जा रहे हो तो आपको वहाँ ग्रॉसरी की ही थिंग्स मिलेंगी अगर आप क्लॉथ्स लेने जा रहे हो तो आपको क्लॉथ्स की वराइटी अवेलेबल होगी एंड बुक शॉप्स डेट जस्ट सेल बुक्स अगर आप बुक्स लेने जा रहे हो तो आपको वो बुक शॉप पे बुक्स ही अवेलेबल होंगी इफ़ थिंग्स वर नॉट स्टोर इन दिस वे शॉप्स हैव टू स्टॉक अ वाइड रेंज ऑफ आइटम दैट लिटिल इन कॉमन अगर एक ही शॉप में सब कुछ रखा जाए लाइक क्लॉथ्स बुक्स ग्रॉसरीज हर चीज़ अगर आपको एक ही शॉप में अवेलेबल हो और रेंडमली हुई हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी शॉपिंग करना दैट मीन्स यू वुड वोट नो विच शॉप टू गो टू गो टू आपके लिए भी मुश्किल होगा कि हमें कौन सी शॉप पर जाना चाहिए हमें कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी इट वुड बी रियली कन्फ्यूजिंग ओके सो साइंस इज़ नो डिफरेंट साइंस में भी कुछ ऐसा ही है सो थ्रू द्रू द एजिज साइंटिस हैव ट्राइड ग्रुपिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स इन टू डिफरेंट कैटेगरीज देयर हैव बीन अटैम्प टू डू दिस एंड देयर विल भी न्यू अटैम्प्ट इन द फ्यूचर्स दिस इज बिकॉज साइंटिस्ट कीप मेकिंग न्यू डिस्कवरीज अबाउट ऑर्गेनिजम एनिमल्स लाइक अब साइंटिस्ट जैसे हर चीज़ को एक ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन फीचर्स उनको ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया गया है सेम साइंटिस्ट ने भी एनिमल्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है ताकि वो उनके ऊपर इजीली स्टडी कर सके एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स स्ट्रक्चरल फ़ीचर्स मीन्स जो उनकी अपियरेंस है उनके ऊपर या जिस तरह से उनके कुछ एनिमल्स अब वाटर में रहते हैं कुछ हमारे पास लैंड में हैं तो उनके कुछ फीचर्स की वजह से साइंटिस्ट ने उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया दैट मेक दैट मीन्स देयर फिज़िकल मेकअप फर्स्टली एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने एनिमल्स को डिवाइड किया है टू मेजर ग्रुप्स में दैट आर द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स सो वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैक बोन और स्पाइनल कॉलम वो एनिमल्स जिनकी जिन में बैक बोन प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड द वर्टिब्रेट्स एंड इन वर्टिब्रेड्स आर एनिमल्स दैट हैव अ स्पाइनल कॉलम इनवर्टिब्रेड्स हैव अ हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग लाइक अ शेल और नो हार्ड कवरिंग और अ स्केलेटल टू ऑल अब इन वर्टिब्रेड्स वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर स्पाइनल कॉलम प्रेजेंट नहीं है ठीक है वो मोस्टली उनकी जो बॉडी होती है वो हार्ड शेल से कवर हुई हुई होती है उसके इंटरनल क्योंकि उसके बैकबोन नहीं है ना उसके उसका जो बॉडी uh, है उसको एक्सटर्नल हार्ड कवरिंग से कवर हुआ हुआ होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है वर्टीब्रेड्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव क्लासेस वर्टिब्रेड्स को फाइव क्लासेस में डिवाइड किया गया है फर्स्टली एनिमल्स को डिवाइड किया गया वर्टीब्रेड्स और इनवर्टीब्रेड्स में देन वर्टीब्रेड्स की क्लासेस हैं और इन वर्टिब्रेट्स की भी क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव क्लासेस एंड इन वर्टिब्रेट्स इनटू सिक्स क्लासेस। वर्टिब्रेट्स आर मैमल्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स फिशेस एंड एम्फीबियंस लाइक सेम इन वर्टिब्रेट्स आरथ्रोपोर्ट्स वोम्स मुलास्कस स्पॉन्जिज नाइडेरियंस एंड इकनोडर्म्स like uh, uh, in this animal kingdoms classification your topic number 2 is the animal kingdom okay um, here is animal kingdom is available so animal kingdom animals are divided into two major groups vertebrates and invertebrates those animals that have a spinal column they are divided into five groups fish amphibians reptiles birds and mammals like invertebrates that do not have a vertebral column they are annelids, molluscus, arthropods, echinoderms, uh, arachnids, protozoa. Okay, on your book page number 20, there is a um, uh, green block that explains the warm blooded animals and the cold blooded animals. Animals. वार्म ब्लडेड एनिमल्स कीप देअर बॉडी टेम्परेचर द सेम इवन वेन द टम्परेचर अराउंड द अराउंड दैम चेंजेस अब वो एनिमल्स ये आपके पास नेक्स्ट हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो आपको ये वर्ड uh, हर एनिमल के करेक्टरिस्टिक में प्रेजेंट होंगे जो ग्रुप हमने अभी पढ़े हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स में आएगा कि दोज एनिमल्स आर द वॉम ब्लडेड एंड द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सो आई एम एक्सप्लेनिंग दीज टू टर्म्स हेयर सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो हैं जो जिनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है उनके अराउंड यानी इर्द गिर्द में अगर उनका टेम्परेचर चेंज भी हो जाता है तो भी उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता लाइक like, हमारे पास एग्जांपल्स हैं हम खुद ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर सेम रहेगा अगर यहाँ हमारे पास समर आता है या विंटर आता है तो हमारे अराउंड का टेम्परेचर चेंज हो जाता है लेकिन हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो वो एनिमल्स जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता दे आर कॉल्ड द वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ़ द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इज़ द सेम एज द टेम्परेचर अराउंड दम अब वो एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर अराउंड अराउंड चेंज हो जाता है लाइक like, uh, अगर उन uh, अगर विंटर है तो उनका बॉडी टेम्परेचर उस विंटर के अकॉर्डिंगली हो जाएगा अगर समर है तो उनका बॉडी टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली जैसे उसके अराउंड में टेम्परेचर चेंज होगा उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो वो एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आई होप सो स्टूडेंट यू गॉट इट ऑन योर बुक पेज नंबर ट्वेंटी वन

each type of cells performing different function there are nerve cells in your brain that receive messages and other that send messages there are blood cells that carry oxygen around the body and other that protect the body against diseases हर एनिमल हर एनिमल क्या हर लिविंग थिंग जो है वो सेल से अप हुई हुई है ठीक है अब एनिमल का सेल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है देर आर प्लांट्स प्लांट भी प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स सो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कुछ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं so in this uh, unit we learn about the animal cells and animal cells look like this Ya picture provide kigai there is an animal cells the main parts of the cells are the nucleus cytoplasm cell membrane and the vacuole there are some important parts of animal cells now we learn about the function of each part द न्यूक्लियस इज इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स न्यूक्लियस जो आपको यहाँ पर सेंटर में प्रोवाइड किया गया सेंटर में लेबल हुआ हुआ है देर इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स लाइक जैसे हमारे बॉडी uh, में ब्रेन कंट्रोलिंग सेंटर है ना हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को वही कंट्रोल करता है सेम इन द सेल्स इन ईट सेल्स न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स द न्यूक्लियसो कंट्रोल द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साइटोप्लास्ट there is a labeling student look at this diagram cytoplasm cytoplasm help to help to move material around the cells and also dissolve waste up cytoplasm you have cell can the jitni be movement or material scheme uh, cytoplasm may help out cut the next is the vacuole. You also uh, look at this diagram. Yellow round circles are the vacuoles. Vacuole is a space in the cytoplasm containing air, liquid, or food. In vacuoles, we have air be present, ho hai, koi bhi liquid, ho sakta hai, koi bhi food particles present. Ho sakte. The cell membrane act as a barrier to the world outside the cell. It lets the right things out the cells and stop dangerous thing getting in. Up cell membrane. सेल मेम्ब्रेन लुक एट दिस डायग्राम स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर कवरिंग है इस सेल की जो कि इस सेल के इंटरनल पूरे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करिए सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से जो है वो राइट थिंग्स right को आ, इंटर होने देती है बाकी जो हमारे लिए डेंजरस है उनको इंटर सेल के अंदर इंटर नहीं होने देती द स्मॉल स्मॉलर पार्ट्स भी से ऑर्गेनालीज और जितने भी आपको स्मॉलर पार्ट्स आपको सेल के अंदर नजर आ रहे हैं यहाँ पर बुक के ऊपर भी डायग्राम जो हैं जो लेबल नहीं हुए हुए दीज़ आर कॉल्ड द ऑर्गनालिज होप सो स्टूडेंट यू गॉट इट